पहले गुरु की प्रार्थना साबर विधान से करते हैं, जैसे मत्स्यनाथ जी ने शिवजी से कहा था। आप भी ऐसा समझो कि आपके परम पूज्य सदगुरुदेव जी, स्वामी स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, डॉक्टर नारायण सिंह वाणी जी आपके सामने बैठे हुए हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं उनको कि हमें साबरी विधान की सिद्धि प्रदान करो, हमें वो सारी सिद्धियां दो प्रभु कि हम गुरु कार्य कर सके, हम भी सुखी रहे, चार लोगों को सुखी करने की प्रक्रिया करें और सभी का सुख हम भी देखें और हम भी सुखी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं गुरु की प्रार्थना कर रहा हूँ। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम श्राम क्षीम चुम कृष्ण क्षेत्र पालाय अगच्छ अगच्छ हरि सर्वक्रम श्रवण मम कार्य गुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं चक्रेश्वरी शंख चक्र गदापद्म धारिणी ओम वाचन सिद्धिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम नमो कमल वदन मोहिनी सर्वज नमस्कारिणी साक्षात सूक्ष्म स्वरूपिणी जन्म वशवा ओम सुरासुरा भवेयु स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान अभिराम दस्य ज्ञानांजन श्लाघया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अरुण किरण जाले रंजिता सावकाश विद्युत जटमाला वीटिका पुष्ट हस्ता वित कर कराख्या फुल्ल कल्लाह हस्ता यंत्र भूमि कमला यंत्र कल्याण शीला। माता पार्वती को बाला या अति सुंदरी के रूप में देखते हुए, शिवजी को गुरु रूप में देखते हुए इसको मत्स्यनाथ जी ने प्रार्थना की थी और प्रार्थना की थी मुझे सभी सिद्धि प्राप्त हो। इसके बाद शिवजी ने कहा, शिवजी ने स्वयं शिवजी ने इस साबरी कवच को दिया और कहा कि जो नित्य इसका एक बार भी पाठ करता है या इसको सुनता भी है उसका शरीर भद्रकार होता है, उसको किसी प्रकार का शरीर में कोई रोग बाधित नहीं होता, न कोई पीड़ा न शत्रु का भय और साधना करते समय किसी प्रकार की अड़चन कुछ भी नहीं आती। ऐसा ही यह शबरी कवच आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आपको शांति से सुनने को दिया था और कहा था कि शबरी कवच है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये मत्स्यनाथ जी को दिया था, इसको इसमें संस्कृत है, बाद में इसी शबरी कवच को आपको मैं प्राकृत भाषा में भी पढ़ के सुनाऊंगा और शाम में होगा। अभी मैं आपको सुना रहा हूँ, आप हाथ जोड़कर प्रार्थना इस कवच को सुने और आपके शरीर को दृढ़ बनाए। ओम सर्व विघ्न नाशाय सर्वारिष्ट निवारणाय सर्वशक्ति प्रदाय बालानां बुद्धि प्रदाय नाना प्रकार कनक धन वाहन भूमि प्रदाय मनोवांछित भर प्रदाय रक्षां गुरु गुरु स्वाहा। ओम गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम बलभद्राय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम शिवाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम बद्री नारायणाय नमः। ओम दुर्गा देवी नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम गुरवे नमः। ओम भृगवे नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम पुच्छनायकाय नमः। ओम नवग्रह रक्षां गुरु गुरु नमः। ओं मन्ये वरं हरिहरादय एवं दुष्टा दुष्टेषु हृदयं त्वयि दोषमेधि किं विक्षतेन भवता भूयेन नान्य कश्चित् मनोहरनाथ भवान् तेहि। ओं नमः श्रीमन् बलभद्र विजय अपराजित भद्रं भद्रं गुरु गुरु स्वाहा। ओं भोः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भगवदेव सिद्धिमयी धियो यः प्रचोदयात् सर्वविघ्नशान्तिं गुरु गुरु स्वाहा। ओं ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं भटुभैरवाय अभुद्धरणाय महा नमस्याय स्वरूपाय दीर्घारिष्टं विनाशय नाशय नानाप्रकार भोगप्रदाय मम सर्वारिष्टम हन हन पच पच हर हर कच कच राजद्वारे जय गुरु गुरु व्यवहारे लाभम वर्धय वर्धय रणे शत्रु विनाशे विनाशे अनाभक्ति योग निवारे निवारे संतति उत्पत्ति गुरु गुरु पूर्ण आयु गुरु गुरु स्त्री प्राप्ति गुरु गुरु हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते विष्णुमूर्ते नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्षक्ष युष्मदधिनं प्रत्यक्षं परोक्षं वा अजीर्णं पच पच विश्वमूर्ते हरि हन हन एकाहिकं द्व्याहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकं जरं नाशय नाशय चतुर्ही कान्वातान् अष्टादश क्षेरवान् अष्टादश दुष्टान् हन हन सर्वदोषां भंजय भंजय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय मम शत्रु मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय विघ्नान् हन हन दह दह पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय विद्राय विद्राय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रम् आगच्छ आगच्छ चक्रेण हन हन परमिद्यां छेदय छेदय। चतुश्रीनि चेतकान् विस्फुटय नाशय वातशूला विहत दृष्टिन् सर्पसिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पदान् अपरे बाह्यान्तराणि भूम्यन्तरान् ऋक्षगान् अन्यानपि केचित् देशकालस्थान् सर्वान् हन हन विषमेघ विषममेघ नदी पर्वतादीन् अष्टव्याधीन् सर्वस्थानानि रात्रि दिन पतति च गोचरान् वशमानय वशमानय सर्वपुत्राय वहन् नाशय नाशय भरसैन्यं विदारय विदारय परचक्रं निवारय निवारय दध रक्षां गुरु गुरु। ओम नमो भगवते ओम नमो नारायणाय हुम फट स्वाहा ठाट ओम ह्राम ह्रीम हृदय स्वदेवता एषा विद्या महानाम्नी पुरादत्ता शतक्रतो असुरान् हन्तु धत्वा तान् सर्वान् च बलिदानवान् यत्कुमान् पठति नित्यं वैष्णवी नित्या एतात्मवान् तस्यं सर्वान् हिंसति यस्या दृष्टिभिदं विषम अन्य दृष्टिविषम चैव न देयं संक्रमेत्रुं संग्रामे धारयत्यङ्गे उत्पातशून्य स्वयं सौभाग्यं जायते तस्य परमनाथ संशय।
भोजपत्रे लिखित गोरोचनमये इमां विद्या शिरो बन्धा सर्वरक्षां करोतु मे पुरुषस्था अथवा नार्या हस्ते बद्ध्वा विचक्षणः विद्रवन्ति प्रणश्यन्ति धर्मस्तिष्ठति दिशा सर्वशत्रु भयं याति शीघ्रन्ते च पलायिता ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं भुवनेश्वरे श्रीं ओं भैरवाय नमो नमः ओम माता श्री मातङ्गी भेदा काय विषांश्रो सुमुख्यायां स्वाहतो वः हरि ओम उच्चिच देव्ये नमः राज्ञेश्वर सुमुखि देव्ये महाभिषाचने ओम ऐं ह्रीं ठा थः दवांशत ओम चक्री धराया अहम रक्षा गुरु रक्षा गुरु गुरु सर्व बाधा हरणी देवी नमो नमः सर्व प्रकार बाध शमनम अनिष्ट निवारण गुरु गुरु फट ओम कुचिका देवी ह्रीं ठ स्वाहा शीघ्र अनिष्ट निवारण गुरु गुरु देवी शाबरी क्रीं ठट स्वाहा शारीरिक भेदाय माया भेदे पूर्ण आयुक्त हेमती मूल रक्षा गुरु चामुंडाय देवी नमः शीघ्र निवारण सर्व वायु कफ पित्त रक्षा गुरु भूत पे निशाचार घाते जालूपनाशन गुरु तरी सरस्वते चंडिका देवी गलम विस्फोटकान विक्षिप्त शमन गुरु महाजर क्षेम गुरु स्वाहा सर्व सामग्री भोग सत्य दिवसे दिवसे देही देही रक्षा गुरु गुरु क्षणे क्षणे अरिष्ट निवारय दिवसे दिवसे दुखारण मंगल करण कार्य सत्यम गुरु गुरु हरि ओम श्री रामचंद्राय नमः हरि ओम भूर्भुवस्व चंद्रतारा नवग्रह शेष नाग पृथ्वी देवे आकाश वासिनी सर्वारिष्ट शमन गुरु गुरु स्वाहा। मेरे साथ बोलो आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें दो आयुर आरोग्य ऐश्वर्यम वित्तम ज्ञानम यशोबलम नाभिमात्र जले स्थित्वा सहस्त्र परिसंख्या जपेत कवच इदम नित्यम वाचा सिद्धिर्भवेत् ततः अनेन विधिना भक्त्या कवच सिद्धिश्च जायते शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते नात्र संशयः सर्वव्याधि भयस्थाने मनसा अस्यतु चिंतनम राजानं वशतां यान्ति सर्वकामार्थ सिद्धये अनेन यथाशक्ति पाठेन शाबरी विद्या देवी प्रियतां नमः। ऐसा संकल्प करो कि हमने प्रार्थना करते हुए शाबरी विद्या देवी शक्ति और शक्ति के चरणों में फूल चढ़ाए हैं, आपके पास शिवजी को रखा हूँ, उठकर यहाँ से जाते हुए हो सके तो आपके राशि का मंत्र बोलो, नहीं तो केवल गुरु मंत्र बोलते हुए शिवजी के चरणों में फूल चढ़ाकर आप अभी जाओ, खाना खा लो, रेस्ट लो, मैं पूर्ण रूप से ठंडा जब हो जाएगा मैं आपको बुलाऊंगा। शिवजी के चरणों में फूल चढ़ाकर इतनी प्रार्थना करो कि आज जो गुरु जी विद्या देंगे हमारे जीवन में हम उसको सिद्धि करके बताएंगे। आज जो मेरे सामने यहाँ बैठे हुए शबरी शाबरी कवच का मंत्र सुने हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कितने भी जन्म लूँ या आप जन्म लूँ न लूँ आपसे मिलता रहूँ, आप उसको सिद्धि मनुष्य को देखें सिद्धि को देखते हैं, यही गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सिद्धि प्राप्त करने वाले गुरु जी का नाम पूर्ण रूप से संसार में बतलाने वाले, जैसा मच्छिंद्रनाथ जी का नाम गुरु गोरखनाथ जी ने किया था, जालंधरनाथ जी ने किया था, नाथ साम्राज्य के भगवान विष्णु का नाम निर्णय किया था और दूसरे संतों ने किया था, वैसा ही आपका नाम भी संसार में हो और आप गुरु के सिद्ध शिष्य कहलाएं। साधना यहीं बैठ के शाम में करवाऊंगा, वो साबरी साधना जो आपके जीवन में महत्व उपयोगी है और दसवां विद्याएं हो, और कोई भी साधना करते समय आप उस कवच को प्राप्त करें और उस साधना देवता को प्रत्यक्ष करना ही है, ये गुरु की आज्ञा है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति ईश्वर होता ऐसा होना ही है। आप शिवजी के चरणों में फूल चढ़ाकर खाना खाने जाओ, मैं 5-6 बजे जैसा ही धूप कम होगी मैं आपको बुलाऊंगा। वैसे इसमें लिखा हुआ है कि कवच के पाठ करते समय ताप होगा, फिर बाद में एकदम आपको उष्ण का ठंडा हो जाएगा और ठंडा उष्ण हो जाएगा, वो राग है। ये कवच का सिद्धि आपके सामने ही है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, बोलो बोलो मुझे सदगुरु भगवान की। आप सब लोग खाना खा लो और शिवजी के चरणों में फूल चढ़ाकर प्रार्थना करो कि जो गुरु जी ने अभी शाबरी कवच पढ़ाया उसका फल हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करो।